सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट द टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एल्यूमिना के बारे में। एल्यूमिना जो कि एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो रिजेंबल करती है थोड़ा बहुत विद द ब्रायनिया अल्वा। व्हाई? द रीज़न इज दैट द ड्राइनेस। एल्यूमिना एंड ब्रायनिया अल्वा दोनों ही बहुत ड्राई मेडिसिन है। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद इट। Adaptive to person who suffer from chronic diseases. So we prescribe this medicine to those patients who suffer from the chronic diseases. Chronic diseases like the disease जो कि बहुत लंबे टाइम से होती है और उसका मतलब कि ड्यूरेशन बहुत लंबा है, ठीक है। अगर हम acute diseases की बात करें तो acute diseases कुछ इस तरीके की होती है कि एकदम से ही उनका onset जो है वो बिल्कुल सडन होता है, और जो क्रोनिक होती है उनका ऑनसेट ग्रेजुअल होता है, ठीक है। द एकोनाइट ऑफ क्रोनिक डिसीजेस, हम एल्यूमिना को क्या बोलते हैं? एकोनाइट ऑफ क्रोनिक डिसीज, क्योंकि एकोनाइट बहुत ही एक्यूट और रिसेंट केसेस में देने वाली मेडिसिन है, और क्रोनिक डिसीज में जब भी कोई एक्यूट और रिसेंट से इवेंट्स आते हैं तो एट दैट टाइम वी कैन प्रिस्क्राइब एल्यूमिना बाय द टोटलिटी ऑफ सिम्टम। कॉन्स्टिट्यूशन डिफिशियंट इन एनिमल हीट। सो गाइज, एनिमल हीट में, एनिमल हीट का डिफिशियंट होना मतलब कि कम होना या लैक ऑफ एनिमल हीट होना, तो हम इससे कह सकते हैं वेरी चिली पेशेंट, ठीक है। सो हम इसे कंपेयर करते हैं विद द कैल्केरिया एंड सिलेशिया ऑल्सो। कैल्केरिया एंड सिलेशिया आर द वेरी चिली मेडिसन्स, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन डिफिशियंट इन एनिमल हीट, द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो द स्पेयर ड्राई थिन सब्जेक्ट विद अ डार्क कॉम्प्लेक्शन। तो कैसे पेशेंट्स होते हैं? ड्राइनेस जो कि मैंने आपको बताई थी, थिन सब्जेक्ट मतलब कि पतले होंगे और डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है। सो गाइस, कुछ ऐसे पॉइंट्स हम कैल्केरिया फॉस में भी देखते हैं। कैल्केरिया फॉस के पेशेंट कैसे होते हैं? डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है उनमें, और थिन होते हैं। और जैसे कि अगर हम कैल्केरिया कार्ब की बात करें तो दे आर फैटी फ्लैबी, बट कैल्केरिया फॉस इज थिन एंड दे हैव डार्क कॉम्प्लेक्शन, बट इन कैल्केरिया कार्ब दे हैव fair complexion. Okay guys, so this is all about today's video, and enjoy your new year. And guys, I want your support, please give me a thumbs up if you want more videos like this. And जैसे कि मुझे एक सजेशन में, एक कमेंट में बोला गया कि एक दो वीडियोस में मैं मेडिसिंस को पढ़ाऊं, सो गाइस डेफिनेटली मैं उस सजेशन को मानने वाली हूं और बहुत जल्द कुछ ऐसी वीडियोस लेकर आने वाली हूं जिसके थ्रू आप मेडिसिंस को बहुत ही इजीली रिमेंबर कर सकें, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको अपने वीडियोज़ के थ्रू मेडिसिंस के बताने वाली हूं, ठीक है। बट गाइस, फॉर सम डेज मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेडिसिंस ही डिस्कस करने वाली हूं। एंड गाइस, यू कैन ऑल्सो फॉलो on the Unacademy Learning app for watching these all videos, ठीक है। सो मैं ये सारे videos होम्योपैथी से रिलेटेड अपने Unacademy प्रोफाइल पर भी डालती हूँ, तो आप मुझे Unacademy पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे लेसन्स का। टिल देन गाइस, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो एंड लाइक दिस। थैंक यू सो मच।